अब यहां पर आप देख सकते हैं ये है मेरा लैपटॉप। लैपटॉप में मैं कुछ भी कर रहा हूँ सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे टीवी में भी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सेटिंग ओपन करेंगे या फिर हम जो है लैपटॉप में कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो सीधा जो है हमारे टीवी में भी हो रहा है। ये जो टीवी है ये मेरे लैपटॉप से पूरी तरह से वायरलेसली कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से किसी भी एंड्रॉयड टीवी को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर लैपटॉप में कुछ भी करेंगे तो वो सीधा हमारा जो है टीवी में भी दिखाई देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं वो सारा हमें जो है टीवी में शो हो रहा है। तो इस तरह से आपके लिए जो है अपने लैपटॉप में जो है या फिर कंप्यूटर में ये सेटिंग कैसे करना है, जिससे कि आपकी लैपटॉप या फिर जो कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन सीधी जो है आपके एंड्रॉयड टीवी में भी दिखने लगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो सारी जानकारी डिटेल्स में दी है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये मेरा जो है टीवी है, तो आपके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे जो है डिस्कनेक्ट कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो है मेरा एंड्रॉयड टीवी है उससे जो है मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब आपके लिए जो है कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो है टीवी में अगर कुछ भी कर रहे हैं तो ये जो है हमारा पूरा एंड्रॉयड टीवी चल रहा है। अब आपके लिए जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है टीवी में कौन सी सेटिंग करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फास्ट कार्ट है, इसे आपके लिए जो है ओपन कर लेना है फास्ट कास्ट को। जैसे कि यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं तो ये देख सकते हैं फास्ट कास्ट ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है क्रोम कास्ट, ये देख सकते हैं। तो ये क्रोम कास्ट है अभी हमारा ओपन, इसे ओपन कर लेना है। अब आपके लिए जो है टीवी में कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए जो है ऐसा ही छोड़ देना है। अब आपके लिए जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जाना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा लैपटॉप। अब लैपटॉप में आपके लिए क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा लैपटॉप है। अब यहाँ पर आपके लिए लैपटॉप में क्या सेटिंग करना है, तो आपके लिए जो है गूगल को ओपन करना है लैपटॉप में। हमने गूगल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो लास्ट में ये थ्री डॉट है ये देख सकते हैं यहाँ पर, इन पर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन देखने को मिलता है कास्ट का, कास्ट पर आपके लिए क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये सोर्स है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके लिए जो है कास्ट स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद अवेलेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी है, तो इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके लिए जो है दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप अपनी जो एंड्रॉयड टीवी है उसे जो है फर्स्ट स्क्रीन बनाना चाहते हैं या फिर सेकेंड स्क्रीन बनाना चाहते हैं। फर्स्ट स्क्रीन में क्या होगा, जैसे कि आप जो है अपने यहाँ पर ये फर्स्ट स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे तो आप जो भी अपने लैपटॉप में करेंगे काम वो सीधा आपकी जो है एंड्रॉयड टीवी में शो होगा। अगर आप जो है सेकेंड स्क्रीन बनाना चाहते हैं तो आप जो है अपने लैपटॉप की स्क्रीन को फर्स्ट बना सकते हैं और एंड्रॉयड टीवी को जो है सेकेंड बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो भी लैपटॉप में काम करेंगे वो आपके लिए लैपटॉप में शो होगा और आप अपने माउस कर्सर को सीधे जो है एंड्रॉयड टीवी पर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे पहले नंबर पर। इसके बाद मैं आपको जो दूसरा एग्जांपल भी दिखा दूंगा। यहाँ शेयर पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम शेयर पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अब हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं हमारी एंड्रॉयड टीवी में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सेटिंग को ओपन करेंगे या फिर हम जो है कुछ भी करते हैं लैपटॉप में तो ये हमारा सीधा जो है टीवी में हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो ये तो रहा जो है इस तरह से आप जो है ये कर सकते हैं। अब जो है सेकंड स्क्रीन वाली प्रोसेस में आपके लिए जो और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर हम जो कास्ट वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो है कास्ट को जो है स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर हम सोर्स में जाएंगे और कास्ट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है टीवी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हम सेकंड स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद शेयर पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तो हमारी हो गई फर्स्ट स्क्रीन लैपटॉप की और जो हमारी टीवी है ये हो गई सेकंड स्क्रीन। तो अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप जो माउस है अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा जो है टीवी में पहुँच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये माउस हमारा जो है टीवी में काम कर रहा है, हमारे लैपटॉप में काम नहीं कर रहा है। अब इसी तरह से अगर आप जो है इस माउस को इधर ले जाएंगे तो ये हमारे जो है लैपटॉप में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है
अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को जो है एंड्रॉयड टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।